देखा चेक? क्या मामला है? गौरीपुर के मशहूर जमींदार त्रिदेवेंद्र नारायण की चिट्ठी है। क्या लिखा? सुनो, कुमार त्रिदेवेंद्र नारायण के आदेशन अनुसार मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने आपका नाम सुना है, किसी जरूरी मामले में आपसे परामर्श करना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप फौरन यहाँ आ जाइए। खर्च के बाबत 100 रुपये पेशगी भेज रहा हूँ। आप कब और किस ट्रेन से आ रहे हैं तार से बताएं। स्टेशन पर आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त रहेगा। धन्यवाद, रुद्र प्रसाद, पीए कुमार त्रिदेवेंद्र नारायण। जरूरी मामला क्या है, कुछ लिखा ही नहीं है। लेटर हेड या हैंडराइटिंग से तुम कुछ अंदाजा लगा सकते हो? तुम तो इस सब में भी माहिर हो। जहां तक जमींदारों के बारे में मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि त्रिदेवेंद्र नारायण ने रात को सपना देखा है जहां उनके पालतू हाथी को पड़ोस का जमींदार उठा ले गया। इसीलिए फौरन जासूस को बुला रहे। मजाक छोड़ो, इतने रुपए ऐसे कोई नहीं भेजता, जरूर कोई गड़बड़ है। यही तो तुम लोगों में कमी है। जब कोई अमीर बीमार पड़े तो तुम्हें लगता है कि उसकी बीमारी भी भारी भरकम है, लेकिन बात असल में बिल्कुल उल्टी है। अमीरों की छोटी सी छोटी फुंसी पर भी डॉक्टर आते हैं, लेकिन गरीबों की जब तक सांस हलक तक ना आए डॉक्टर हकीमों का नाम भी नहीं लेते। खैर, इरादा क्या है? जाओगे गौरीपुर? जब बेकार ही बैठे हैं चलो घुमाते हैं, और कुछ नहीं तो एक नई जगह देख लेंगे। और तुम तो गौरीपुर गए नहीं ना कभी? पान लीजिएगा जी। मैंने कहा पान लीजिएगा, लीजिए ना, इसमें तंबाकू नहीं है। नहीं, मुझे तंबाकू से परहेज नहीं, बस मन नहीं कर रहा। मैं बैठ सकता हूँ? आप ये पान नहीं खाते? आप दोनों साथ नहीं जा रहे हैं? जी। कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? जी आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं तो अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। हम बस उसके बाद ही उतरेंगे। मतलब बदलापुर? लाइए, आपके पान का मुलाहिजा किया जाए। जरूर। वो पान वाला आदमी तो दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया, यही ना? हाँ। वाह भाई, क्या आलीशान बंगला है। मैं कुमार त्रिदेवेंद्र नारायण का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, रुद्र प्रसाद। मैंने ही आपको चिट्ठी लिखी थी। अच्छा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। रघुवीर, सामान ले आओ, आइए। आप ही व्योमकेश बाबू हैं? जी हाँ, अजीत कुमार बैनर्जी, ये मेरे मित्र, सहयोगी और भविष्य में मेरी जीवनी लेखक। आपकी जीवनी लिखने के लिए तो भी बहुत वक्त पड़ा है, पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अजीत बाबू को साथ लेकर आए, क्योंकि इनकी लेखनी की वजह से तो हमारा आपके साथ परिचय हुआ है। धन्यवाद। आपके लिए कुछ और नाश्ता, शरबत? जी नहीं, धन्यवाद। जिस काम के लिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दी,
वो काम जितना गंभीर है उतना ही उसे गुप्त रखने की जरूरत है। इसलिए सब कुछ बताने के पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो बात हम तीनों के बीच ही रहे। बताइए किस तरह का वचन लेना होगा? नहीं नहीं, लिखा पढ़ी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं, आपने कह दिया इतना ही काफी है। अच्छा, अगर घुमा फिरा कर कहानी के रूप में कुछ लिखें तो? जी नहीं, घरेलू मामले की कोई भी बात किसी भी तरह घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमारी परंपरा के अनुसार बहुत दिनों से हम हीरे जवाहरात इकट्ठे करते आ रहे हैं, ये शायद आपको नहीं मालूम। कुछ कुछ मालूम है, सुना है आपके खानदान में एक अनमोल हीरा है, सीमांत हीरा, और इस तरह का हीरा पूर्व भारत में और कहीं नहीं है। आपको मालूम है तो आपको यह भी मालूम होगा कि पिछले महीने कलकत्ता में जो हीरे जवाहरात की प्रदर्शनी हुई थी उसमें हमारा सीमांत हीरा भी था। जी मालूम तो है, लेकिन उस वक्त मैं कलकत्ता में नहीं था इसीलिए प्रदर्शनी में हीरा देखने का मौका नहीं मिला। फिर कभी देखने का मौका मिले या नहीं ये तो नहीं कह सकता। क्यों? सीमांत हीरा चोरी हो गया है। चोरी हो गया? जी, इसीलिए आपको यहां बुलाया है। आपको शुरू से बताता हूं, हमारी जमींदारी बहुत पुरानी है। अंग्रेजों से पहले पठान बादशाहों के समय हमारे पूर्व पुरुषों ने यह जमींदारी हासिल की थी। कैसे हासिल की थी ये बताने में अभी कोई हर्ज नहीं है। हमारे पूर्वज जबरदस्त डाकुओं के गिरोह के सरदार थे। अपने बाहुबल से उन्होंने संपत्ति इकट्ठी की और बाद में बादशाह से सनद के तौर पर जमींदारी पर अख्तियार जमा लिया। वो बादशाही सनद अब भी हमारे पास है और तब से ही सीमांत हीरा हमारे वंश में है। कहते हैं जब तक वो हीरा हमारे वंश में रहेगा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर किसी भी तरह वो हीरा चला गया तो एक पीढ़ी के अंदर ही हमारा वंश खत्म हो जाएगा। बड़ा लड़का ही जमींदारी का उत्तराधिकारी होता है, यही परंपरा हमारे वंश की भी है। छोटों को भरण पोषण मिलता है। 2 साल पहले हमारे पिताजी के गुजरने के बाद सारी जमींदारी मुझे मिली। मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। मेरे एक चाचा भी हैं, पिताजी के छोटे भाई। जमींदारी से उन्हें 3,000 माहवारी दी जाती है। लेकिन हीरे की चोरी कैसे हुई? वही बताता हूँ। हीरों की प्रदर्शनी में मैं खुद स्पेशल बोगी बुक कराकर सीमांत हीरा कलकत्ते ले गया था। नुमाइश का इंतजाम सरकार के जिम्मे था, इसलिए चोरी के डर की कोई बात ही नहीं थी। इसके अलावा हीरा जिस ग्लास के केस में रखा था उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। नुमाइश 7 दिन चली, 8वें दिन वो हीरा लेकर मैं वापस यहाँ आ गया। यहाँ आकर पता चला हीरा तो चोरी हो गया, और उस हीरे के बदले जो लेकर आया था वो कांच का टुकड़ा था जिसकी कीमत शायद 200 भी नहीं। चोरी का पता लगने के बाद सरकार को या फिर प्रदर्शनी वालों को या पुलिस को खबर नहीं दी? नहीं। क्यों? खबर देकर कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि चोरी होने के साथ साथ ये पता लग गया था चोरी किसने की है। किसने की? हमारे चाचा ने, जिन्हें आप हर महीने 3,000 रुपए भेजते। जी, इसीलिए तो खबर नहीं की। मैं नहीं चाहता हमारे पारिवारिक कलंक को लेकर अखबार में टिका टिक पड़े हो। अच्छा, आपके चाचा रहते कहाँ हैं? कलकत्ता में। आपने उनका नाम सुना होगा, मशहूर शिल्पी और वैज्ञानिक सर जिगेंद्र नारायण राय। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा हमारे देश में कमी है। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष और चोरी? हमारे चाचा की निगाह इस सीमांत हीरे पर हमेशा से थी। इस हीरे की कीमत क्या होगी? कीमत की वजह से नहीं, रुपया पैसा तो हमारे चाचा के पास बहुत है, शायद हमसे भी ज्यादा, और हमने भी कभी उस हीरे की कीमत जानने की कोशिश नहीं की। ग्रह देवता की तरह वो हीरा हमारे लिए अमूल्य है। जब हमारे पिताजी जिंदा थे तब भी हमारे चाचा ने हीरा उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझसे भी मांगा। देखो बबुआ, तुम मुझे हर महीना जो 3,000 भेजते हो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें 5,000 महीना भेज सकता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। सीमांत हीरा मुझे चाहिए। उस दिन के बाद से आज तक न चाचा से बातचीत हुई न मुलाकात। हीरा लेकर जब कलकत्ता से वापस आया तो उनकी एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी आपको दिखाता हूँ।
बुरा मत मानना, तुम लोग हीरा देना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने खुद ही हासिल कर लिया। हीरा न होने से तुम्हारा वंश बर्बाद हो जाएगा, ये महज एक वहम है। ये सिर्फ हमारे पूर्वजों की एक चाल थी जिससे कोई इसे बेचने की हिम्मत न करे। सीमांत हीरा मेरे पास सुरक्षित है, शुभेच्छा सहित। चिट्ठी मिलते ही मैं हीरा लेकर जौहरी के पास दौड़ा। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो हीरा तो नकली है, लेकिन दिखने में बिल्कुल असली हीरे जैसा। मैं आपको अभी दिखाता हूं। कैसा लग रहा है? जौहरी के सिवा कोई नहीं बता सकता कि हीरा नकली है। तो मेरा काम हुआ आपको असली हीरा लाकर देना। जी, ये काम कर दीजिए और हमारे वंश का हीरा हमें दिलवा दीजिए। लेकिन ये हीरा नुमाइश से गायब कैसे हुआ? उस झमेले में जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे भी हो, कैसे भी करके हमारा सीमांत हीरा हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए। कितना भी खर्चा हो मैं खर्च करने को तैयार हूँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन व्योमकेश बाबू, एक शर्त है। शर्त तो नहीं, विनती समझ लीजिए कि बात अखबार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, कब तक हीरा मिलने से आप खुश होंगे? कब तक? मतलब आप हीरा दिलवा देंगे? ये तो बहुत मामूली बात है। मैंने तो सोचा था कोई बहुत ही पेचीदा मामला होगा। खैर, आज शनिवार है, अगले शनिवार तक आपको असली हीरा मिल जाएगा। चले। सर, दिगेंद्र का बंगला यही है? हाँ यही है, उधर जाइए। अच्छा। अजीत, हाँ? हर चीज ध्यान से नोट करना। ठीक है। नौकरी के लिए आया? हाँ। भीतर जाओ। सुनिए जी, यहाँ ये भीड़ कैसी? सर, दिगेंद्र नारायण को एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है, उसी के लिए हम सब उम्मीदवार हैं। आज इंटरव्यू है? जी, 10 बजे। आज सर दिगेंद्र किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज का इंटरव्यू कल होगा, इसी वक्त ठीक 10 बजे। अगर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है तो हमें दे सकते हैं। जी, आप अपनी कॉपी से एक पन्ना देंगे मुझे? जी। एक और प्लीज। किस लिए? बैठो। जैसे मैं कहता वैसे क्या? और यहां पर ले, ये भरो इसको। एप्लीकेशन? हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेशन। लेकिन इसका क्या फायदा? जितेंद्रनाथ क्यों? हाँ, लिख दो, बाद में बताऊंगा। अच्छा ब्योमकेश, नैतिक दृष्टि से ये जो हम काम कर रहे हैं क्या सही है? कौन सा काम? यही गलत नाम देकर अर्जी जो दे आए, या मान लो वो हीरा में मिल भी गया तो क्या उसे हासिल करना चोरी नहीं है? होगी होगी, क्यों नहीं। और अगर पकड़े गए तो जेल भी जा सकते हैं, लेकिन हम चोर के घर चोरी कर रहे हैं, देखा जाए तो ये एक पुण्य काम है। लेकिन कानून की नजर में झूठ झूठ है और चोरी चोरी। हाँ है, सजा भुगतनी पड़ी तो भुगतेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी नौबत नहीं आएगी।
अच्छा तुम्हें क्या लगता है वो हीरा उसी घर में है? जिस हीरे के लालच में चाचा ने बुढ़ापे में ही भतीजे से सारी संपत्ति हड़प ली, उसे एक भी लम्हे के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देगा। बस सिर्फ ये पता लगाना है कि वो हीरा है कहां। अच्छा मान लो हमने जो दो अर्जियां दी हैं अगर वो बेकार हों और काम किसी और को मिले तो? हमें सुनहरा मौका मिला है, उसका फायदा उठाना चाहिए। हमने जो क्वालिफिकेशंस लिख दी हैं शायद वो दूसरों में ना हो, इसलिए नौकरी हम दोनों में से किसी को मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दोनों को मिल जाए। और अगर न भी मिले तो सदिगेंद्र के साथ 10-15 मिनट बात का मौका मिल जाएगा, वो भी काफी है। लेकिन एक बात याद रखना कि कल इंटरव्यू में तुम्हारा नाम जितेंद्र नाथ है और तुम्हारा निखिलेश। भूपेंद्र, जितेंद्र नाथ और निखिलेश। जी हुजूर। दरवाजा बंद कर दो, बाहर खड़े रहो। निखिलेश किसका नाम है? जी मेरा। तुम निखिलेश हो? जी। और तुम जितेंद्र नाथ? जी। तुम दोनों ने क्या सलाह करके दरखास्त दी है? सर मैंने नहीं पहचानता। अच्छा, लेकिन दोनों ने बिल्कुल एक जैसा कागज इस्तेमाल किया है, लगता है एक ही नोटबुक से लिए हैं। सर नोटबुक तो सब एक जैसी होती हैं। तुम एमए पास हो? जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से? जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पिछले 10 साल के एमए रिजल्ट्स मेरे पास हैं। तुमने किस साल पास किया? इसी साल, पिछले महीने ही नतीजा निकला। इस साल का नतीजा इस फाइल में नहीं है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जो स्पीड लिखी है, उम्मीद है वो भी एमए डिग्री की तरह ठीक होगी। यस सर। मेरे हिसाब से तुम ही एक कैंडिडेट हो जो सब तरह से फिट हो। बैठो। अजीत बाबू। यस सर। बैठो अजीत, बैठो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। सत्येंद्र नारायण को धोखा देने की धृष्टता देखकर मुझे मजा आ रहा है। और ब्योमकेश, तुम ऐसा एक बचकाना काम करोगे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन देखकर तो लगता है भेजे में बुद्धि है। और ब्रेन मैटर 50 आंस तो है ही, लेकिन सर ब्रेन मैटर से क्या होता है? सब निर्भर करता है कन्वोल्यूशन पर। हालांकि कूट बुद्धि, इंट्यूशन, हट धर्मी ये सब तो पर्याप्त है, और रीजनिंग पावर भी डेवलप लगता है, इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। क्यों? और मेरे भेजे में कितना ब्रेन मैटर है जानते हो? 60 आउंस, तुमसे 10 आउंस ज्यादा। यानी कि एक गोरिला और आम इंसान की बुद्धि में जो अंतर है वही है तुम्हारी और मेरी बुद्धि में। तो मैं अगर इंसान हूं तो तुम क्या हुए? बबुआ ने तुम्हें भेजा है इन्हें कुमात्र दिवेंद्र नारायण हीरा हासिल करने के लिए। तो क्या तुम 50 आउंस ब्रेन मैटर लेकर वो कर पाओगे?
क्या बात है ब्योमकेश, बिल्कुल ठंडे पड़ गए? पंडित बनकर भगवान चुराने आए हो तो क्या ये चोरी कर पाओगे? 7 दिन के अंदर कुमार त्रिदेवेंद्र नारायण को ये हीरा वापस ला कर दूंगा, ये वचन देकर आया हूं मैं। अच्छा, 7 दिन के अंदर? अरे वाह वाह, क्या बात है। तो कैसे करोगे ये चोरी, हमें भी तो कुछ पता चले। तुम्हें मालूम है अभी धक्के मार के तुम्हें बाहर फेंकवा सकता हूँ, जेल की हवा खाओगे वो अलग। फिलहाल तो आपकी बातों से यही लगता है कि हीरा इसी मकान में है। हाँ है, इसी मकान में है, लेकिन तुम उसे ढूंढ पाओगे? भेजे में है इतनी समझ? आपके हिसाब से 50 औंस ग्रे मैटर तो है ही, मेरे लिए इतना ही काफी है। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो ना? तुम जैसा डिटेक्टिव दूसरा नहीं है इस भारतवर्ष में। तुम यहाँ के बैतियों हो क्या? मैं यहाँ निकलेश बनकर जरूर आया था, लेकिन अब ब्योमकेश हूँ, सत्य अन्वेषी, सत्य की खोज करने वाला। सत्यान्वेषी, चलो ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में है। इस घर में तुम्हें पूरी आजादी है, जहां चाहो जाओ, कोई नहीं रोकेगा। 7 दिन के अंदर हीरा निकालो के जुबान दी थी ना, मैं तुम्हें 7 साल का वक्त दे रहा हूं। ढूंढो हीरा एंड बी डेड। उजरे सिंह, इन दोनों को पहचान लो, मैं घर में हूं या ना हूं, ये दोनों घर में कहीं भी आ जा सकते हैं 7 साल तक, इन्हें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, समझे? तो खड़े क्यों हो, जाओ। कौवा चला हंस की चाल, समझे ब्योमकेश बख्शी? जिंदगी गुजर जाएगी मगर वो चीज तुम्हें नहीं मिलने वाली, मगर एक शर्त है, इस घर में तस्वीरें, स्कल्पचर, क्यूरियोस चारों तरफ बिखरे हुए हैं, हीरा ढूंढने के उत्साह में ये चीज को कोई नुकसान पहुंचा, टूटा या गिरा, तो उसी वक्त मैं धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मंजूर? मंजूर है। और कुछ? फिलहाल तो कुछ नहीं। सर, मुझे एक बात जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, आपको कैसे पता चला कि हम ब्योमकेश और अजीत हैं? उजरे सिंह, सचिन को बुलाओ। जी हुजूर। क्यों ब्योमकेश बख्शी, एस डिटेक्टिव ऑफ इंडिया, इनके सवाल का जवाब दे सकते हो? नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। इनसे मिलिए, ब्योमकेश बख्शी, अजीत बैनर्जी। हम मिल चुके हैं सर। मेरी बेवकूफी से ही सारा गड़बड़ हो गया। तुमसे बेवकूफी हुई जरूर है, लेकिन बुड्ढे को हमारे बारे में पहले से मालूम था। कुछ भी कहो, खूब उल्लू बनाया हमारा। बुड्ढे की भी एक कमजोरी मेरी पकड़ में आ गई, मुझे लगता है इसी से काम बन जाएगा, वरना हमारा कामयाब होना मुश्किल था। कामयाब? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कामयाब होगे? मुझे तो पूरी उम्मीद है। हाँ, अगर बुड्ढा धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकालता तो बात और होती, लेकिन अब उसकी कमजोरी पकड़ में आ गई है, उसी से हम अपना काम पूरा कर लेंगे। अरे कैसी कमजोरी, मुझे तो कोई कमजोरी नजर नहीं आई, बल्कि लगा बुड्ढा तो लोहे की तरह सख्त, ताकतवर और पुख्ता है। कमजोरी है, बहुत तगड़ी कमजोरी है, और इसी की वजह से हमें अपना रास्ता निकालना है। अक्सर देखा है कि बड़े लोगों में ये कमजोरी ज्यादा नजर आती है, जो जितना ज्यादा अकलमंद होता है ना, उससे 4 गुना ज्यादा उसमें अकलमंद होने का घमंड होता है, इसीलिए अकलमंद होते हुए भी वो बेवकूफ बन जाते हैं। साफ साफ बताओ मामला क्या है। सर, दिगेंद्र नारायण को अति बुद्धिमान होने का काफी घमंड है, मैंने सोचा क्यों ना उनके घमंड पर वार किया जाए, और वही मैंने किया। बुड्ढे ने भपके में आकर घर में घुसने की आजादी दे दी, इससे अपना आधा काम तो हो गया, बाकी क्या बचा, हीरे को ढूंढ निकालना, वो भी हो जाएगा। तुम क्या फिर वहां जाओगे? अरे जाएंगे क्यों नहीं, यही तो सुनहरी मौका है, मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? आप गए तो वो बेटा उजरे सिंह पेट में खुखरी घुसा देगा, मैं नहीं जाने वाला। अरे ये कैसे हो सकता है, एक साथ मैदान में उतरे हैं, साथ ही चलेंगे। आ जाओ।
नमस्कार। हीरा मिला? जी नहीं, मिल जाएगा। ये क्या बना रहे? विख्यात नटराज मूर्ति का एक छोटा सा प्लास्टर कास्ट तैयार कर रहा हूँ। मैं इसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी है। असली मूर्ति पत्थर की है या? मैंने संगमरमर की एक 10 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है। फिलहाल वो पेरिस में है। पेरिस में? लूवर म्यूजियम। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इसे आप खुद ही मोल्ड करते हैं? और कौन करेगा? क्या ये बाजार में मिलती है? बाजार में मिलती तो क्या खरीदते? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी और भी बहुत से लोग खरीदते। कैसे आना हुआ? बस यूं ही घूम घाम कर सब काम खत्म हो गया था, सोचा एक बार आपसे भी मिलते जाएं। शाम को फिर एक बार आऊंगा। बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी हो जी, अभी टूट जाता तो? कोई भी चीज टूटी तो उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। जी मुझे बहुत अफसोस है, आई एम सो सॉरी, आइंदा सावधानी बरतूंगा। ये सब नाजुक कलाकृतियां हैं, ये कोई अनाड़ी की तरह हाथ लगाने से मैं आग बबूला हो जाता हूँ। जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आई एम सॉरी अगेन। अच्छा तो चलते हैं। क्या क्या, अभी आए, अभी चलिए? नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया, इंपीरियल लाइब्रेरी जाना है। शाम को आ रहे हो ना? जी जरूर। ठीक है, आगे चाय पीने हमारे साथ। जी थैंक यू। क्या बात है, प्लास्टर कास्टिंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मालूम है मेरी दिलचस्पी हर चीज में होती है। लेकिन कोई बात तो होगी। सर दिगेंद्र ने ठीक ही कहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति तो कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। मैं भी? हाँ तुम भी। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के चूरे को पानी में डालकर उसे दही जैसा गाढ़ा करो। फिर उसे मोम या मिट्टी के सांचे में डाल दो, उसमें भर दो, 10 मिनट के अंदर वो जमकर सख्त हो जाएगा, उसे निकाल दो, मूर्ति तैयार। मुश्किल काम है सांचा बनाना। अब इस सांचे में अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते समय आप सुपारी जैसी छोटी सी चीज छुपा दो तो वो मूर्ति में छिपी रह सकती है। मतलब सीमांत हीरा इसी तरह नटराज की मूर्ति में? आई बात समझ में? चलो। कोई आया था? जी नहीं, एक चिट्ठी आई है। लाओ दे। अरे गौरीपुर से त्रि देवेंद्र नारायण आ गए हैं, ग्रैंड होटल में है। वो तो आएंगे, वादे के मुताबिक शनिवार को उन्हें सीमांत हीरा मिल जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो? अगर सर दिगेंद्र को पता चल गया कि कुमार बहादुर आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें अपने घर के अंदर घुसने न दे। अरे इतने दिनों से घर के कोने कोने की तलाशी ले रहे हो, अब बाकी रही क्या? रहे मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो हीरा सर दिगेंद्र की बैठक में ही कहीं है। मैंने गौर किया, बुढ़ा जहां भी हो उसकी नजर हमेशा टेबल पर ही रहती है। चलो खा पी के सोते हैं, आज तो बहुत थक गए। अजीत मुझे लगता है वो हीरा नटराज मूर्ति के अंदर छुपा कर रखा है। तुमने देखा नहीं किस तरह से मूर्ति मेरे हाथ से ले ली? कल तो किसी भी तरह उस मूर्ति को जाकर हासिल करना है। लगता है मुझे इस मूर्ति से प्यार हो गया है, कल सारी रात इसकी याद में नींद नहीं आई। सच? ब्योमकेश तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकोगे। इस मूर्ति के लिए रात भर नींद नहीं आई तो जाओ, आज से ये मूर्ति तुम्हारी, मेरी तरफ से तोहफा। अब तो खुश? ये नाजुक और कीमती है,
संभाल के रखना, कहीं टूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सदिगेंद्र, आपका तोहफा सर आंखों पर। 6 दिन तो हो गए, कल भी आओगे क्या? हाँ बस कल ही का दिन तो बाकी है। हार गए जीत। क्या बात है, मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हीरा इसी नटराज के अंदर है। अच्छा बताओ, इतनी अच्छी जगह कहीं मिल सकती है? हीरा आंखों के सामने टेबल पर है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अपनी सबसे प्यारी चीज बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ही पड़ी है। सत्येंद्र ने यह खुद बनाया है, इसीलिए हीरा इसके अंदर छुपाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज ठान का निकला था कि कैसे भी हो यह मूर्ति चुरा कर ही लाऊंगा, लेकिन बुड्ढे ने सारे इरादों पर पानी फेर दिया और मूर्ति मुझे खुद भेंट कर दी। चले पर नमक छिड़कने में उस्ताद है बुड्ढा। अब फिर नए सिरे से सब शुरू करना पड़ेगा। अब क्या शुरू करोगे, बस एक ही दिन तो बाकी है। उधर कुमार बहादुर कलकत्ते आ गए हैं, कहां से दूंगा उनका सीमांत हीरा। लगता है सर दिगेंद्र ने बाजी जीत ली। लेकिन उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी क्यों? एक काम करते हैं, कैसे हो उजरे सिंह? ठीक है साहब। आज हम तुमसे मिलने आया। कितने दिनों से हो यहाँ तुम? साहब बोला आप लोग को अंदर बैठने के लिए। तुम क्या कभी अपने मुल्क जाता नहीं? किधर है मुल्क को, नेपाल या दार्जिलिंग? साहब बोला आप लोग को चाय पिए तो हम देंगे, आप अंदर बैठिए। अच्छा लाओ तुम्हारा एक बीड़ी दो। बीड़ी हम नहीं पीता साहब, आप अंदर बैठिए। साहब अभी आ जाएंगे, बाहर गया। तुम्हारे साहब अंदर नहीं है? नहीं, लेकिन अभी आ जाएंगे। आप लोग को बोला साहब अंदर बैठने के लिए। ब्योमकेश बख्शी। बाग में आपका नाम जी बताइए ना। मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? बाबू का हुक्म है, कोई भी आए उनका नाम पता रखूं। अच्छा ये बात है, तो कह देना गौरीपुर के कुमार साहब के आदमी आए थे। एक गिलास पानी लाना, दवा लेनी है। मैं जाता हूँ, कह देना बाद में मुलाकात होगी। अरे बूटी राम, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अजीत तुम्हें जानकर ताजुब होगा, पूरे एक दिन 24 घंटों तक वो सीमांत हीरा इसी टेबल पर था। खैर अब तो पता चल गया है हीरा कहाँ है। लेकिन तुमने उन्हें ले क्यों जाने दिया? कोई बात नहीं, अब पता जो चल गया है कि असली चीज कहाँ है। ग्रैंड होटल कुमार त्रिदेवेंद्र को दीजिए, कहिए ब्योमकेश बात करना चाहते हैं। हाँ कुमार बहादुर जी, ब्योमकेश, कल सुबह 10 बजे तक आपको अपना सीमांत हीरा मिल जाएगा। नहीं नहीं आप 12 बजे की गाड़ी से ही जा सकते हैं। हाँ 11 बजे आप आराम से होटल से निकल जाइए, मैं उसके पहले ही आ जाऊंगा। 100% जी हाँ, निकल पड़िए जी, बाय बाय। अरे आओ आओ, आजकल जब तक ये जुगल जोड़ी के दर्शन नहीं होते तब तक खाली खाली सा लगता है, आदत सी पड़ गई है। ए चाय लिया। आपको साथ देने से काफी परेशान किया हमने,
बस यही कहने आया था, हम कल से नहीं आएंगे। जिंदगी में हार जीत होती रहती है। आपको जरूर मालूम होगा आपके भतीजे साहब ग्रैंड होटल में ठहरे हुए हैं। मैंने उनसे भी कह दिया है उन्हें यहाँ और ठहरने की जरूरत नहीं, बस आज उनसे भी विदा ले लूंगा। चलो अच्छा हुआ, सुबह का भूला शाम को घर तो आ गया। और बबुआ से भी कह देना कि अपने समय बेकार में बर्बाद ना करें। जी जरूर कहूंगा। आपकी ऐसी ही दी हुई सौगात मैंने अच्छी तरह संभाल के रखी हुई है। आपकी मधुर याददाश्त के हिसाब से ये मेरे लिए बहुमूल्य तोहफा है। हमारे यहाँ इतने दिन लगातार आकर तुम्हारी दिलचस्पी शिल्प कला की तरफ बढ़ी है, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने दिनों तक कला और संस्कृति की तरफ तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन आपके संपर्क में आकर कला का जो रस मिला है वो जिंदगी भर याद रहेगा। वो चित्र भी आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चित्र मैंने 20 साल पहले बनाया था। अच्छा, अब आपसे विदा लेता हूं। आपसे मिलकर मुझे फायदा ही हुआ है। कभी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। मैं सत्यन्वेषी हूं, सत्य की खोज करना मेरा पेशा है। आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा सर, नमस्कार। चलो जी, नमस्कार। आइए आइए ब्योमकेश बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। कहाँ है हमारा सीमांत हीरा? ये लीजिए। ये तो हमारे चाचा जी के संगमरमर की बनाई हुई नटराज की मूर्ति की नकल है। हीरा कहाँ है? इसी के अंदर। इसके अंदर? जी, लेकिन आपके जाने की सब तैयारी है ना, 12 बजे की गाड़ी से। वो तो ठीक है ब्योमकेश बाबू, लेकिन ये लीजिए आपका सीमांत हीरा। हाँ, यही हमारा सीमांत हीरा है। तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा इसी मूर्ति में है? सर दिगेंद्र भी भाप गए थे कि मुझे पता चल गया, इसलिए हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने मुझे मूर्ति दी। फिर ऐसी ही एक दूसरी मूर्ति लेकर वो कल हमारे घर आए और इससे बदल दी। ये तो मैंने अपने हस्ताक्षर BB इस पर किए थे, उसी से मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो इसी मूर्ति के अंदर वो हीरा है। इसलिए कुछ देर पहले मैं किन शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं? यहाँ से फौरन विदा होकर। कहीं आपके चाचा जी को पता चल गया तो अभी यहाँ आदम गेंगे, फिर मामला चौपट। मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसकी चिंता बाद में। फिलहाल आप जितनी जल्दी हो सके भरीपुर पहुँच जाइए, हम चलते हैं। चलो अजीत, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। अजीत, ये देखो, लो ये पढ़ो। प्रिय ब्योमकेश बाबू, आपकी कृतज्ञता के जवाब में जो कुछ भेज रहा हूं वो आपकी प्रतिभा के सामने कुछ नहीं है। आगे पढ़ो। उम्मीद है भविष्य में फिर मुलाकात होगी। अजीत बाबू को भी मेरा धन्यवाद दीजिए। हमारी पहली मुलाकात में वो पूछ रहे थे सीमांत हीरा की कहानी घुमा फिरा कर लिखे तो क्या मुझे आपत्ति होगी, तब मैंने ना कहा था। आप मुझे कोई ऐतराज नहीं, नाम दाम बदल कर कहीं भी छपवा सकते हैं। क्यों?